मॉर्निंग एवरी वन, कॉन्टिन्यूइंग विद अवर नेक्स्ट लेक्चर. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का मतलब है कि वो इन्वेस्टर जो एस्टैब्लिश्ड है, जो इनकॉर्पोरेटेड है आउटसाइड इंडिया और जो प्रपोज कर रहा है टू मेक इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, तो इंडिया के लिए वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होगा. एज पर सेबी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स रेगुलेशन 2014, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का मतलब है वो इंस्टीट्यूशन जो रजिस्टर्ड है अंडर द सेबी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रेगुलेशन 1995. एज पर सेबी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का मतलब है वो पर्सन जो सेटिस्फाई करता है एलिजिबल क्राइटेरिया जो प्रिस्क्राइब है अंडर रेगुलेशन 4 और जो रजिस्टर्ड है सेबी के साथ अंडर दीज रेगुलेशंस, उसे माना जाएगा एज अ इंटरमीडियरी इन टर्म्स ऑफ प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट. तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का सिंपल सा मतलब है वो इंस्टीट्यूशन, वो इन्वेस्टर जो इंस्टीट्यूशन है, और इंस्टीट्यूशन कहाँ का है? फॉरेन का है, तो उसे हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहते हैं. देन हु कैन बी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आगे सब अकाउंट्स के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. सब अकाउंट्स के लिए कैसे होता है? इसमें जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं, फॉरेन इंडिविजुअल्स हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, फंड्स या पोर्टफोलियोज जो एस्टैब्लिश्ड हैं और जो इनकॉर्पोरेटेड हैं आउटसाइड इंडिया, वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इनके बिहाफ पर जो है इन्वेस्टमेंट कर सकता है जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है. देन हु कैन बी रजिस्टर्ड एज FIIs? फॉलोइंग एंटिटीज और फंड्स जो हैं वो एलिजिबल हैं टू गेट रजिस्टर्ड एज FIIs. इनमें कैटेगरीज हैं, कैटेगरी वन में सेंट्रल बैंक्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, सॉवरन वेल्थ फंड्स, इंटरनेशनल और मल्टीलेटरल एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं. कैटेगरी टू में पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, बैंक, यूनिवर्सिटी फंड्स, इंडोमेंट्स, फाउंडेशंस, चैरिटेबल ट्रस्ट, सोसाइटीज आ जाती है. फर्दर इन ये जो फॉलोइंग एंटिटीज हैं जो प्रपोज कर रही हैं टू इन्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ ब्रॉड बेस्ड फंड्स, वो भी एलिजिबल है टू गेट रजिस्टर्ड एज FIIs एज कैटेगरी थर्ड. इसमें एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, इंस्टीट्यूशनल पोर्टफोलियो मैनेजर्स, ट्रस्टीज और पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर्स आ जाते हैं. कोई फी चार्ज नहीं होती कैटेगरी वन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए. रजिस्ट्रेशन फी जो है वो $3,000 है कैटेगरी टू के लिए और $300 है फॉर कैटेगरी थ्री के लिए. जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका वैलिड रहता है 5 years के लिए और आफ्टर 5 years आप उसे रिन्यू करवा सकते हैं बाई पेइंग अगेन $5,000. सब अकाउंट्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन फी है वो $1,000 है और रिन्यूअल के लिए भी $1,000 है. कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो अवेलेबल है FIIs के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए? तो सिक्योरिटीज इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट इंक्लूडिंग शेयर्स, डिबेंचर्स एंड वारंट्स ऑफ कंपनीज, अनलिस्टेड, लिस्टेड और टू बी लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया. यूनिट्स म्यूचुअल फंड्स की, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल्स, डेरिवेटिव्स, ट्रेड जो हो रहे हैं रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, कमर्शियल पेपर्स, यूनिट्स ऑफ स्कीम्स फ्लोट हो रही हैं जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंडर, रुपी डिनोमिनेटेड क्रेडिट इन्हांस बॉन्ड्स, सिक्योरिटी रिसिप्ट जो इशू कर रही हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, या परपेचुअल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स, डेप्ट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स जो स्पेसिफाई किए हैं RBI ने फ्रॉम टाइम टू टाइम, लिस्टेड एंड अनलिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बॉन्ड्स जो इशू किए हैं किसी भी इंडियन कंपनी में इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बॉन्ड्स जो इशू किए हैं NBFCs ने जिन्हें आप कैटेगराइज कर रहे हो एज इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज बाय RBI, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट में जिन्हें आइडियाज आप कहते हैं, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स या यूनिट्स जो इशू कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड्स, देन सच अदर इंस्ट्रूमेंट्स जो स्पेसिफाई किए हैं बोर्ड ने फ्रॉम टाइम टू टाइम. नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक दैट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए. तो जो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है इंस्टीट्यूशन को फॉर बिकमिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर वो क्या है कि जो एप्लीकेंट है वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं होना चाहिए, जो एप्लीकेंट है रेजिडेंट होना चाहिए उस कंट्री का जिसकी सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर सिग्नेटरी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन मल्टीलेटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की, या सिग्नेटरी है बायलेटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की विद दी बोर्ड.
जो एप्लीकेंट है अगर एक वो बैंक है तो वो रेजिडेंट ऑफ उस कंट्री का होना चाहिए जिसका जो सेंट्रल बैंक है वो मेंबर है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का। देन जो एप्लीकेंट है नॉट रेजिडेंट होना चाहिए इन अ कंट्री जो आइडेंटिफाई करती है इन दी पब्लिक स्टेटमेंट फॉर फाइनेंशियल टास्क फोर्स। देन आपका आता है जो एप्लीकेंट है वो नॉन रेजिडेंट इंडियन नहीं होना चाहिए। जो एप्लीकेंट है वो लीगली परमिटेड है इन्वेस्ट कर लीगली परमिटेड होना चाहिए टू इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज आउटसाइड द कंट्री जहाँ पे वो इनकॉर्पोरेट हुई है या एस्टैब्लिश हुई है या जो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है। देन जो एप्लीकेंट है वो ऑथराइज्ड होना चाहिए अपने MOA और AOA से और इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट से या एग्रीमेंट से कि वो इन्वेस्ट कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट्स। एप्लीकेंट के पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस गुड ट्रैक रिकॉर्ड और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, फाइनेंशियली साउंड होना चाहिए, गुड रेपुटेशन होनी चाहिए फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी के साथ। जो ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट है एप्लीकेंट को वो इंटरेस्ट में अगर होगा डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट के तो रजिस्टर उसे किया जाएगा। जो एप्लीकेंट है वो फिट एंड प्रॉपर पर्सन होना चाहिए और जो भी क्राइटेरिया स्पेसिफाई करता है बोर्ड फ्रॉम टाइम टू। देन नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक दैट इज यूरो इशू। यूरो इशूज हम कैसे कहते हैं, जब इंडियन जो कंपनी है वो किसी भी तरीके से इंटरनेशनल मार्केट से चाहे वो इक्विटी इशू करके इन द फॉर्म ऑफ ADRs, CDRs या IDRs या फिर डिबेंचर्स इशू करके इन द फॉर्म ऑफ FCCBs अगर पैसा इकट्ठा कर रही है, कैपिटल रेस कर रही है तो उन्हें कलेक्टिवली यूरो इश्यूज कहा जाता है। तो ये जो प्रोसेस था यूरो इशू का जो रिफॉर्म्स हुए थे 1991 में LPG के उसके बाद से ये शुरू हुआ। तो 1992 के पीरियड से पहले वो चीज़ नहीं थी। तो जो भी फंड्स फॉरेन कंट्रीज इंडियन कंपनीज रेस कर रहे हैं थ्रू इशू ऑफ बॉन्ड्स या इक्विटीज उन्हें कलेक्टिवली यूरो इशूज कहा जाता है। जो दो मेन सोर्स हैं इंडियन कंपनीज के लिए यूरो इशूज के वो हैं फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जिसे FCCBs कहा जाता है एंड डिपॉजिटरी रिसिप्ट। जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट है वो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है इक्विटी में और जो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल फॉर्म है वो इन द फॉर्म ऑफ डेब्ट होते हैं जिन्हें आप बाद में कन्वर्ट कर सकते हो इक्विटीज में। तो सबसे पहले बात करते हैं FCCBs की, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। नेम से क्लियर है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं और किस में है फॉरेन करेंसी में है। तो जस्ट लाइक जो आपके कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं वही चीज़ हो गई। तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स फिक्स इंटरेस्ट रेट होगा, जो उसके कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के आपके फीचर्स होते हैं वो सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो जो FCCBs हैं फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है उनका, जो रेट होता है वो नॉर्मली जो आपका कोई और अदर नॉन कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट पे रेट है उससे कम होता है। ये बॉन्ड्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, फ्रीली ट्रेडेड होते हैं और आप इसे इशू कर सकते हो फॉरेन करेंसी में। जो होल्डर्स होते हैं इस बॉन्ड्स के वो इंटरेस्ट पेमेंट्स उन्हें मिलेगी फॉर अ फिक्स टाइम पीरियड और उसके बाद वो उसे कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी में, लेटर ऑन दे एंजॉय कर सकते हैं जो भी बेनिफिट्स हैं इक्विटी के। ये जो बॉन्ड्स अगर इशू हो रहे हैं तो ये बेनिफिशियल दोनों के लिए, इशूअर और इन्वेस्टर दोनों के लिए होते हैं। तो जो एडवांटेजेस हैं डिसएडवांटेजेस हैं इस बॉन्ड्स के वो क्या हैं, लेकिन उससे पहले एज पर RBI FCCB का मतलब क्या है। FCCBs मींस जो बॉन्ड इशू किया है इंडियन कंपनी ने और वो एक्सप्रेस है फॉरेन करेंसी में और जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है वो पेबल होगा फॉरेन करेंसी में, तो उसे FCCBs कहा जाएगा। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, जो इशूअर है वो एक्सेस कर सकता है इन्वेस्टमेंट कैपिटल अवेलेबल जो हो रही है फॉरेन मार्केट्स में। बॉन्ड्स लो इंटरेस्ट रेट कैरी करते हैं तो जो इशूअर है उसे लेस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कन्वर्ट आप कर सकते हो इन बॉन्ड्स को इक्विटी में एट अ प्रीमियम और जो डाइल्यूशन ऑफ इक्विटी होगा वो लेट होगा, करंट डाइल्यूशन आपकी EPS का नहीं होगा। देन ईजिली मार्केटेबल है, इंजॉय आप बेनिफिट्स करते हो इंटरेस्ट अर्निंग के स्टार्टिंग के ईयर्स में और बाद में आपको कैपिटल एप्रिशिएशन मिलता है। इन्वेस्टर इंजॉय कर सकते हैं गारंटेड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स और अगर ये कन्वर्टेड नहीं है तो इन्हें रिडीम किया जाता है एट मेच्योरिटी। जो FCCBs होते हैं वो इशू वो कॉपरेट्स करते हैं जिनका
जो हाई प्रमोटर शेयर होल्डिंग है, और वहाँ पे कोई रिस्क या लो रिस्क इन्वॉल्व होता है। ये जो बॉन्ड होते हैं वो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों तरीके के हो सकते हैं। जो रेगुलेटरी प्रोसेस है वो भी बहुत सिंपल है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, GDRs जिसे हम कहते हैं। डिपॉजिटरी रिसिप्ट एक्चुअल में होता क्या है, इन सिंपल लैंग्वेज अगर हम कहें तो प्रोसेस के थ्रू इसे हम पूरा प्रॉपर समझेंगे, लेकिन इन जर्नल लैंग्वेज अगर हम इसे कहें तो डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या है, आप इक्विटी को ही इशू एक्चुअल में करते हो, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट वो इशू होते हैं। इक्विटी जो इशू हुई है वो होती है एक कंट्री में, लेकिन उसके जो इन्वेस्टर्स हैं जब उन्हें आप दे रहे हो, उन्हें इशू कर रहे हो, डिपॉजिटरी रिसिप्ट की फॉर्म में कर रहे हो, लेकिन वो जो इन्वेस्टर्स हैं वो आउटसाइड द कंट्री हैं, तो वो डिपॉजिटरी रिसिप्ट कहलाते हैं। तो जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो इशू किए जाते हैं US डॉलर्स में। इसकी जो मार्केट है इंडिया में जो शुरू हुई थी और जो इंडियन कंपनीज ने स्टार्ट किया था फंड्स रेज करना इसके थ्रू, वो किया था 1992 में। इसके अंडर जो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं वो इशू आप करते हो अंडर GDR स्कीम, जो भी टाइप ऑफ इशू है और जो भी डिलीवर्ड आप करते हो इसमें। ये प्रोसेस प्रॉपर होता कैसे है, इसमें फोर पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। जो फोर पार्टीज इसमें इंक्लूड होती हैं कौन कौन सी होती है, पहली तो जो इशूइंग कंपनी है, देन जो इशूइंग कंपनी है वो जिस कंट्री की है उसी कंट्री का डोमेस्टिक कस्टडियन बैंक, देन फॉरेन कंट्री जो है जहाँ पे आप इशू करना चाहते हैं डिपॉजिटरी रिसिप्ट को, वहाँ की कंट्री का जो कस्टडियन बैंक है जिसे ओवरसीज कस्टडियन बैंक कहा जाता है, OCB कहा जाता है। जो आपकी कंट्री का है वो DCB हो गया, जो फॉरेन कंट्री का है वो OCB हो गया, देन आपके जो इन्वेस्टर्स जो आपके फॉरेन कंट्री के हैं, तो फोर पार्टीज इसमें इंक्लूड होती है। जो डोमेस्टिक जो आपकी कंपनी है जो शेयर ऑर्डिनरी शेयर्स को इशू करना चाहती है अंडर द स्कीम ऑफ GDRs, वो क्या करती है, वो शेयर्स को इशू करती है, डिलीवर करती है, इन सिक्योरिटी देती है कस्टडियन को, देती है डोमेस्टिक कस्टडियन बैंक को। देन जो डोमेस्टिक कस्टडियन बैंक है वो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को इंस्ट्रक्शन देता है कि आप सिक्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट्स, मतलब इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट, आप इन जो हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर हैं इनके बेसिस पे आप इशू कर दीजिए। और ये जो रिसिप्ट इशू होती हैं वो US डॉलर में या किसी और अदर करेंसी में हो सकती हैं, और जो उस कंट्री के इन्वेस्टर्स हैं वो जो आपकी OCB है उसके थ्रू जो रिसिप्ट हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये जो रिसिप्ट होते हैं फ्रीली ट्रेडेड होते हैं इन दी ओवरसीज मार्केट, आइदर ऑन अ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज और ओवर दी काउंटर मार्केट, और इन्हें आप ट्रेड कर सकते हो अमंग अ रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप जिसमें QIBs हो सकते हैं, मतलब क्वालिफाइड जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं आपके। इंडिया में जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है वो गाइडलाइंस इशू करता है GDRs के लिए, जो SEBI है उसने अलाउ किया है इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर को कि वो रेज कर सकता है फंड्स को ग्लोबली, फॉरेन करेंसी में जो आपकी कैपिटल है वो लेके आ सकता है कंट्री में इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी। जो एडवांटेज होता है इंडियन कंपनीज को, जो कंपनीज है अगर परमानेंट कैपिटल वो रेज कर सकती हैं विदाउट द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट। जो करेक्टरिस्टिक्स हैं GDRs की वो क्या है, GDRs को आप इशू कर सकते हो इन मोर देन वन कंट्री, और ये डिनोमिनेटेड होते हैं इन एनी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में। जो इशूइंग कंपनी है वो इशू कर सकती है शेयर्स डिपॉजिटरी बैंक को, और इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली उसे इशू करने की ज़रूरत नहीं है, जो डिपॉजिटरी बैंक है उसी के पास जो शेयर होल्डर्स की हैं वो सारी राइट होंगी। नेक्स्ट जो है दैट इज़ कि जो जो भी शेयर्स इशू कर रही हैं इंडियन कंपनीज वो डिनोमिनेटेड होते हैं इंडियन करेंसी में। जो JDRs हैं उन्हें आप कोट कर सकते हो फॉरेन करेंसी में। जो डिविडेंड बोनस राइट्स सेक्टर आपको मिलेंगे बेनिफिट्स वो सभी कुछ अलाउड है GDRs होल्डर्स को। जो इशूइंग कंपनी है वो यूज़ कर सकती है अमाउंट जो वो रेज कर रही है GDRs से किसी भी बिजनेस पर्पस के लिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है प्रोसीजर फॉर इशू, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।